हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हो मास्टर शेफ और आज का अपना रेसिपी नेमन चिकन ड्राई और नेमन चिकन ग्रेवी। आज मैं इस वीडियो में आपको ड्राई और ग्रेवी नेमन चिकन बनाना सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से। जो छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान देना है, चाहे हम रेस्टोरेंट में बना रहे हो चाहे घर में, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो ब्रेस्ट पीस। ये चिकन ब्रेस्ट पीस है, इसमें चाइनीज़ में हम लोग लेग नहीं यूज़ करते, ब्रेस्ट पीस यूज़ करते हैं। और 1 किलो में करीबन नहीं तो 4 पोर्शन निकलता, प्लस नहीं निकलता, नीचे ही निकलता है 4 पोर्शन से। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रेस्टोरेंट में या घर पे बना रहे हो तो। अभी हम लोग जो है मंचूरियन का कटिंग करेंगे, और मंचूरियन का कटिंग जो चिकन क्यूब्स स्टाइल में काटना होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से हम लोग इसको काट लेते हैं, फटाफट काट लेते हैं। और आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें स्किन है या फाइट है या चर्बी, मतलब कि जो भी आपको लगता है, तो उसको निकाल देना है, ठीक है आपने। और इसको क्यूब्स स्टाइल में इस तरीके से आपने काट लेना है। तो मैं इसको फटाफट काट लेता हूँ। ये जो चिकन, देखो ब्रेस्ट पीस लिया मैंने, इसको पहले जो इसका जो एक्स्ट्रा भाग है उसको निकाल लिया, और उसके बाद इसका 1 का 2 भाग कर दिया मैंने, मतलब कि इसको पतला कर दिया मैंने। फिर इसको इस तरीके से रखा और इसको मैंने क्यूब्स में कर दिया। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, जो ब्रेस्ट पीस होता है वो बड़ा होता है, पहले आपने 20 से 1 का 2 कर दिया, इस स्टाइल में आपने काटना है। थोड़ा छोटा बड़ा होएगा कोई मसला नहीं उसमें, ठीक है। अब इसको हमने एक बर्तन में ले लेना है, और सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम लोग गार्लिक जिंजर पेस्ट। हम लोग इसको फ्राई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद 1 पीस ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच डालूंगा इसमें मैदा, और 4 चम्मच डालूंगा इसमें कॉर्नफ्लावर। मैदे से डबल होना चाहिए आपका कॉर्नफ्लावर, जब भी आपका जो पकौड़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो पाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और अब इसमें मसाले में ऐड करेंगे हम लोग सॉल्ट यानी कि नमक, थोड़ा सा वाइट पेपर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब हम लोग इसको मिला देंगे, और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम लोग जब चिकन इसको वो मतलब कि चिकन धुले हैं उसमें भी थोड़ा सा पानी था, और एग है वो भी लिक्विड है, तो हमने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपने मिला लेना है इसको, और मिलाने के बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। इसको बोलते हैं मंचूरियन चिकन मंचूरियन पकौड़ा, ठीक है। इसको बोलते हैं मंचूरियन पकौड़ा। इस तरीके से हमने इसको कर लेना है। अब ऑयल को हमने मीडियम कर लेना, और पहले हम लोग इसको हाफ डाउन करेंगे फिर फुल डाउन करेंगे इसको फ्राई, ठीक है। हाफ डाउन में हम इसको हाफ डाउन इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग जो चिकन फ्राई कर रहे हैं ना, तो वो आपस में चिपक जाता है। जब चिपकेगा तो उसको हम लोग हाफ डाउन करके उसको छुटा लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको फुल डाउन यानी कि पूरा फ्राई करेंगे, ठीक है। तो ये आपने डालना है, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, निकाल लेना अपने, हाफ डाउन से भी कम ही आपने रखना है इसको स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट फ्राई कर लेता हूँ, क्योंकि हाफ डाउन इसलिए क्योंकि डालते समय ना दो पीस एक साथ भी हो जाते हैं, या फिर जैसी कढ़ाई में डालो तो आपस में वो चिपक जाते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर है ना तो चिपक जाता है वो। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। और ये जो पकौड़ा है ना, ये आप बनाना सीख ले गए तो समझो आप आधा डिश बनाना सीख गए, क्योंकि मंचूरियन में यूज़ होता है, गार्लिक चिकन में यूज़ होता है, और नेमन चिकन में यूज़ होता है, चिल्ली में यूज़ होता है, ये चिल्ली चिकन में, जितना भी वाइट और सोया सॉस का जो कलर का डिश होता है चाइनीज़ का, उसमें ये पकौड़ा यूज़ होता है। और रेड पकौड़ा जो होता है वो जितना भी रेड ग्रेवी होता है चाइनीज़ का या ड्राई होता है उसमें यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमने इसको छुटा लेना, आप लोग देख सकते हो ये आपस में चिपके हैं कुछ थोड़े से पीस, तो हमने इसको सिंगल सिंगल कर लेना है, ठीक है। और फिर से हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको फुल फ्राई करेंगे, इसको जब तक कि गोल्डन ना हो जाए, तब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए अच्छे से, इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपको 2 से 2.5 मिनट लग सकता है, ठीक है, उस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और ना ही गैस से, ना ही आपका ऑयल एकदम हॉट मतलब कि गर्म होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जिससे कि वो आहिस्ते आहिस्ते पके और अच्छे से वो चिकन पक जाए आपका। तो ये हमारा जो चिकन है वो लगभग हो गया। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो जो हमारा चिकन है ये गोल्डन, इसका जो कलर है वो गोल्डन में हो चुका है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो चुका है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात है, देखो आप लोग देख सकते हो ये। अब दूसरी की इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग कितना पीस देते हैं, जो ग्रेवी होता है उसमें 15 पीस जाता है, 15 से प्लस नहीं होता, माइनस हो जाता है, 14, 13, 15 यानी कि इतने तक रहता है,
ठीक है 15 पीस, और जो ड्राई होता है उसमें 20 से प्लस ही होता है, 20, 21, 22, 23, लास्ट 25 जो ड्राई होता है, क्योंकि ड्राई में क्वालिटी चिकन का ज़्यादा होता है और ग्रेवी में चिकन का क्वालिटी थोड़ा कम होता है, ये चीज़ का ध्यान देना। अब इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले, ये जो पकौड़ा हमने यूज़ किया अभी बनाया, ये है चिल्ली सॉस, ये है टमाटो केचप और ये सिजवन सॉस, ठीक है, और ये है अपना कैप्सिकम क्यूब्स, कांदा क्यूब्स, चिल्ली चॉप, कांदा चॉप और लहसुन चॉप यानी गार्लिक चॉप, ये है जिंजर चॉप। कांदा चॉप हम लोग इसमें यूज़ नहीं करने वाले, बाकी हम सब यूज़ करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे ऑयल, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे गार्लिक चॉप, और उसके बाद थोड़ा सा इसको फ्राई होने दोगे, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लहसुन चॉप। मैं दोनों चीज़ साथ में भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा थोड़ा सा चिली सॉस, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मैं दोनों को मशीन से ही चॉप करता हूँ, मैं हाथ से चॉप नहीं करता, तो दोनों बराबर में होता है मेरा, ठीक है। उसके बाद इसमें कैप्सिकम क्यूब्स और कांदा क्यूब्स करीबन आपने 10-10 पीस ऐड कर लेना एक पोर्शन में, अब आपके ऊपर है आप कितना बना रहे हो। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे स्टॉक, चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक का रेसिपी मैंने आपको बताई रखा है, सिखाई रखा है, और मैं लिंक भी आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है। करीबन आपने इसमें 500 ml तक यानी कि हाफ लीटर आपने इसमें स्टॉक ऐड करना है, और थोड़ा सा उबलने के बाद सबसे पहले इसमें येलो कलर यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि नेमन चिकन है तो हम लोग येलो कलर यूज़ करेंगे। उसके बाद विनीगर, और यह नेमन मैंने बोतल में इसका जूस निकाल के नेमन का रख रखा है, जिससे कि ऑर्डर मारते समय टाइम ना लगे। उसके बाद टमाटो केचप यूज़ करेंगे हम लोग 1 स्पून, या चिल्ली सॉस 1 स्पून, और इसको हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद मसाले में ऐड करेंगे सॉल्ट, वाइट पेपर, थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। आप चाहो अजीनोमोटो, अगर आपको पसंद है अजीनोमोटो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। उसके बाद जो हम लोगों का चिकन पकौड़ा था वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा कैप्सिकम सॉरी हरा कांदा, और करीबन आपने कॉर्नफ्लावर 1 स्पून आपने यूज़ करना है, और कॉर्नफ्लावर की आपने देखना है कि नहीं कॉर्नफ्लावर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आपने ऐड कर लेना, और करीबन मैंने इसमें 1 स्पून यूज़ किया है, 1 से 1.5 स्पून पहले आपने 1 स्पून करना है। अगर आपको लगता है कि अभी ये ड्राई नहीं हुआ तो थोड़ा सा और आपने यूज़ कर लेना। आप लोग देख सकते हो जो हमारा लेमन चिकन है वो रेडी हो चुका है, और कितनी आसानी से मैंने इसको बना लिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही सिंपल रेसिपी। अब हम लोग बनाएंगे ग्रेवी, इसी का हम लोग बनाएंगे अब ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमने कढ़ाई लिया है, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे ऑयल, थोड़ा सा गार्लिक चॉप, वही थोड़ा सा जिंजर चॉप ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें कैप्सिकम और कांदे की क्वालिटी जो है बहुत कम होगी, नहीं भी डालो तो कोई मसला नहीं, मैं इसमें यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें हम लोग येलो कलर, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा कांदा मैं ऊपर से इसमें डालने वाला हूँ। पहले मैंने फ्राई करते समय डाला, अभी मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका कारण मैं अभी बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम लोग चिल्ली पेस्ट, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम लोग सोया सॉस, ये ग्रेवी का मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम लोग टमाटो केचप, और थोड़ा सा ऐड करेंगे मसाले में ऐड करेंगे हम लोग नमक, वाइट पेपर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। बस तीन ही मसाले यूज़ होते हैं इसमें, नमक, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। थोड़ा सा आप शुगर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड और लेमन जूस, जो चिकन था हमने फ्राई किया हुआ वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कुकिंग करेंगे, और थोड़ा सा मैंने स्प्रिंग कांदा यानी कि हरा प्याज यूज़ किया। अब कॉर्नफ्लावर आप लोग देख सकते हो, मेरा जो कॉर्नफ्लावर है पानी में जो मैंने घोल रखा वो थोड़ा सा लाइट है, मतलब कि एकदम ठीक नहीं है, थोड़ा सा लाइट है, तो इसको हम लोग वो ऐड कर लेंगे। अब मैंने इसमें दो डिफरेंस किए, एक तो मैंने इसका कैप्सिकम और कांदा लास्ट में डाला ग्रेवी बनने के बाद, वो इसलिए डाला क्योंकि मैं इसको उबाल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इससे जो हमारा कैप्सिकम और जो कांदा है ना वो थोड़ा सा फ्रेश दिखाई देगा, ठीक है। और तीसरा मैंने इसमें सिजवन सॉस यूज़ किया है, सिजवन सॉस इसलिए यूज़ किया है जो ग्रेवी है ना उसका थोड़ा सा कलर जो हमारा ना लाइट हो जाएगा, मतलब कि जो कलर आएगा ना उसको लाइट मारेगा, तो सिजवन सॉस भी आप ज़रूर यूज़। तो कमेंट करके बताना कि कैसे लगी आपको रेसिपी, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।